हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में बिहार बीएड जो 2023 से 25 का सेशन होने वाला है उसके विषय में बात करने वाले हैं। अगर जो स्टूडेंट 2023 से 2025 का 25 का सेशन में बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आइए पूरा डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ बिहार गवर्नमेंट द्वारा बिहार बीएड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यह एप्लीकेशन जो है 16 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक होगा। यहाँ डेट मेंशन क्या हुआ है, आप एप्लीकेशन 16 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके विशेष अगर आप मैंने की पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अखबार पढ़ सकते हैं या नहीं तो इसका नोटिफिकेशन जो आया है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2023 में जो एडमिशन मैंने कि जितने भी बिहार के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम किया जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा जिसको जो कॉलेज मिलेगा उसमें उसका एडमिशन होगा। तो इसका एप्लीकेशन 16 फरवरी से हो रहा है और 20 मार्च तक होगा। और इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है, यहाँ देखिए, अगर जनरल में है तो 1000 रुपया लगेगा, EWS और महिला और BC EBC के लिए 750 रुपया है, और ST ST है तो वह 500 रुपया है। ये इसका शुल्क है, एप्लीकेशन शुल्क है। अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं तो लेट के साथ आपका कुछ स्टाफ फी के साथ भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसमें लिखा गया है कि बिहार के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय है, यहाँ जितना विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, पटना है, BNMU है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, दरभंगा यूनिवर्सिटी है, और सो यानी बिहार के अंदर जितना यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और टोटल पोस्ट जो है मैंने कि 37,500 सीटों पर इस बार मैंने कि 37,500 स्टूडेंट के एडमिशन बीएड में बिहार के अंदर होने वाला है। ये सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और कुछ होता क्या कि यूनिवर्सिटी जिसके अंदर प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो उसमें अपने अनुसार भी कुछ स्पोर्ट एडमिशन कराया जाता है। तो इतना डिटेल्स इसमें आपको हम दे रहे हैं। अगर आपको विशेष कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो को कमेंट में कीजिएगा, हम आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।